हेलो एवरीवन, आज की ये वीडियो थोड़ी अलग है। ये उन लड़कियों की ख्वाहिश है कि जो अपने पैरों में खड़ी होना चाहती हैं और उन्हें अपने पेरेंट्स का साथ नहीं मिल रहा है, तो उन लड़कियों की आवाज को मैं आज उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आप प्लीज ये वीडियो जरूर देखें। और हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप अपनी सोच को बदले और अपनी बेटियों का साथ दें, ताकि वो अपनी पैरों पे खड़े होने का या पढ़ने का जो ख्वाहिश है वो पूरा कर सके। जब आपके घर में बेटी पैदा हुई, तब आपके आसपास के लोग खुश हुए हो या ना हुए हो, लेकिन आप जरूर खुश हुए हैं, क्योंकि वो आपकी बेटी है। आप उसे कूड़ेदान में फेंक कर नहीं आए, बल्कि आप उसे लाड प्यार से अच्छे परवरिश देने की कोशिश की, उन्हें चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया और उसे आज एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की। तो अचानक ऐसा क्यों होता है कि एक समय के बाद आप चाहते हो कि आपकी बेटी पढ़ाई लिखाई ना करे, आप चाहते हो कि वो अपने पैरों पे खड़ी ना हो? इसलिए कि आपके आसपास के वही लोग आके कोई बोलते हैं कि बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए दूल्हा ढूंढो, उसका शादी करा दो। आप इन लोगों के बात सुनकर आप अपनी बेटी की ख्वाहिशों को मारकर उसके मर्जी के खिलाफ आप उनका शादी कराना चाहते हैं। मानते हैं कि आप बोलोगे कि हम उसका भला सोच रहे, आप एक अच्छे लड़के ढूंढ के लाते हैं, एक अच्छे घर देख के उनकी शादी कराते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी का जो ख्वाहिश था जो पूरा नहीं हो सका, वो खुश रह पाएगी? वो जिएगी, लेकिन ख्वाहिशों को मारकर। इसका अगर हम दूसरा तरफ देखते हैं, आप भले ही उसका अच्छा अच्छा घर देख के, अच्छा लड़का देख के उसका शादी कराएं, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घट जाए और वो तूफान उसके साथ साथ आपके घर पे भी आएगा, तब आप क्या करोगे? तब वही लोग जो आपको आपकी बेटी का शादी देने के बारे में बात करते थे, वे आके आपको बोलेंगे कि अरे आप तो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दिए। तब आपको इस बात का पछतावा नहीं होगा कि आप अपनी लड़कियों को ख्वाहिशों को मारकर, उसकी खुशियों को मारकर आप उसे क्या दिए? क्या आपको नहीं लगता कि इस जगह में अगर आप अपनी बेटी का साथ दिए होते, अगर वो अपना पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी होती, तो आज उसकी जिंदगी कुछ अलग होती? आज हमारे देश में, विदेशों में लड़कियां कहां से कहां पहुंच रही है। अगर उनका पेरेंट्स उनका साथ न देते, क्या वो इतने आगे बढ़ पाते? नहीं। अगर आपकी बेटी खुश रहेगी तभी तो आप खुश रहोगे, अगर आपकी बेटी हंसेगी तो आप हंसोगे। तो क्यों ना आप लोगों की बातें छोड़कर आप अपनी बेटी का बात सुने। उसकी जो ख्वाहिश है पढ़ने की, आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की, आप उसमें उनका साथ दे। इसी साथ से वो हो सकता है कि एक दिन आपका नाम रोशन करेगी और उसकी जिंदगी कुछ अलग होगी, क्योंकि बेटी किसी और की नहीं, आपकी है। इसलिए उसे देखभाल करना, उसको संभालना, उसका सहारा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसका हाथ संभालोगे, उसे सहारा दोगे, तो वो भी संभल जाएगी और एक दिन वो भी आपका सहारा बनेगी। इस वीडियो से अगर उन लड़कियों को जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, उनका पेरेंट्स उनका साथ दे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप तक ये बात को पहुंचा सकी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और अपने कमेंट्स मुझे जरूर लिख के बताएं।
क्योंकि मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ हो। वो लड़कियां मेरे साथ है, वो लड़कियों के पेरेंट्स मेरे साथ है जिन तक मैं ये बात पहुंचाना चाहती हूं। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।